नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज सुबह सुबह एक ऐसी खबर सुनने को मिली ना, जिसको सुनने के बाद उस पर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। सबका यही रिएक्शन था, क्या, क्यों, कैसे। हमें पता चला कि हमारे बीच महान इरफान खान जी नहीं रहे। कसम से किसी को भी नहीं यकीन हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर कईयों को तो एक फेक न्यूज़ लग रही थी, लेकिन अफसोस कि ये सच था। एक ऐसा सच जिसे सहन कर पाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है, उसकी मर्जी के आगे किसकी चलती है। इस दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम समय के लिए ही रहते हैं, मगर उनकी अच्छाई हमेशा हम सबके दिलों में बस जाती है। हकीकत यही है कि भगवान अच्छे और एकदम प्योर लोगों को जल्द ही अपने पास बुला लेते हैं। जयपुर के एक थिएटर से लेकर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाले लीजेंडरी एक्टर इरफान खान जी आज हमारे बीच नहीं है। 29 अप्रैल की सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली अपनी। दरअसल वो काफ़ी लंबे समय से ब्रेन कैंसर से सफ़र कर रहे थे। उनकी तबीयत में अचानक आए बदलाव के कारण मंगलवार को उन्हें कॉलन इन्फेक्शन की शिकायत पर उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया। वहाँ डॉक्टर्स की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। सभी लोग उनके जल्द ही स्वस्थ होने की दुआएं कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन इत्तेफाक तो देखिए, इनकी मृत्यु के ठीक तीन दिन पहले यानी शनिवार को उनकी माँ सईदा बेगम की मृत्यु हुई थी। लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से वो अपने घर नहीं जा पाए थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि उनकी माँ ने आखिरी सांस तक अपने लाडले की सलामती की दुआएं मांग रही थी। अब आखिर माँ तो माँ ही होती है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो। काफ़ी बीमार होने के बावजूद किसी तरह से उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म की शूटिंग अंग्रेजी मीडियम पूरी की। उन्होंने उसका प्रमोशन भी कर नहीं पाए थे क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन उन्होंने अपने फैंस के लिए एक ऑडियो मैसेज जारी किया था। इसमें इस आखिरी मैसेज में उन्होंने एक दिल छूने वाला मैसेज दिया है, जिसे हर कोई सुनकर इमोशनल हो जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं उनका आखिरी मैसेज। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार, मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है, देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन यू मेक लेमनेड। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा। इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। एंजॉय द ट्रेलर एंड बी काइंड टू ईच अदर एंड वॉच द फिल्म एंड यस वेट फॉर मी। तो सुना आपने, कितना दिल छूने वाला मैसेज था ये। क्या आपको पता है, 1993 में जब जुरासिक पार्क आई थी, तो इरफान खान जी के पास पैसे नहीं थे कि वो जाकर उसे थिएटर में देख सकें। वो इतना एफोर्ड नहीं कर पाए थे। लेकिन साल 2015 में जब जुरासिक वर्ल्ड रिलीज हुई, तो उसमें उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसे कहते हैं असली सफलता। इससे साफ जाहिर होता है कि वो कितने डाउन टू अर्थ इंसान थे। कभी ना कभी कि ना वो किसी पार्टी में जाते थे और ना किसी कॉन्ट्रोवर्सी में आए थे। ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि बकरीद के दिन उन्हें जब उनके घर में बकरे की बलि दी जाती थी, तो उन्हें बहुत इस बात का अफसोस होता था। वो इसका विरोध करते थे कि आखिर कैसे कोई किसी को मार के खा सकता है, क्योंकि उन्हें मांस खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनकी इस बात पर उनके पिता तंज कसते हुए कहते थे कि मुसलमान के घर ये ब्राह्मण कहाँ से पैदा हो गया भाई। सिर्फ इंडिया ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड सिनेमा में उन्होंने इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है ना, कि उसे चाह कर भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्मों में काम किया है जो पूरी दुनिया देखी गई है, पूरी दुनिया में देखी गई है, जिसमें से द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, जोरासिक वर्ल्ड, लाइफ ऑफ पाई, स्लमडॉग मिलियनेयर, इन्फर्नो और भी बहुत सी हैं, जिसे पूरे वर्ल्ड वाइड के दर्शकों ने देखा है। शायद अब ये बात बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि उन्होंने अपने मास्टरपीस फिल्म द लंच बॉक्स के लिए क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर को रोल ठुकरा दिया था। अब ये नहीं तो पता कि उन्हें कौन सा रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था। उनकी जगह कोई और होता ना, तो तुरंत ये अपॉर्चुनिटी पर लपक लेता।
तो लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने भारतीय सिनेमा के लिए इतना बड़ा डेडिकेशन आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला है। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने अंदाज और अपने फिल्मों के जरिए वो हमेशा हमारे दिलों में और यादों में जिंदा रहेंगे। भगवान उनकी पवित्र आत्मा को शांति दे। ओम शांति। तो आज के लिए बस इतना ही। उनकी फिल्मों में से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी थी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और उनकी उनसे जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।